और आज के ब्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ रायपुर से रामनगरी अयोध्या की। और बाकी यार ये बस देखिए यार कितनी शानदार लग रही है। देख लो भाई ये है छत्तीसगढ़ के कुछ खूबसूरत नज़ारे। बस पहुँच चुकी है छत्तीसगढ़ के एक खूबसूरत शहर बिलासपुर में। थाली लगवा ली है पूरी, बाकी देख लीजिए रोटी है, चावल है, दाल है, आलू की सब्जी है, छोले है, बाकी नज़ारे सच में यार सुहागी के काफी ज्यादा खूबसूरत है। और देख लो जी बस अभी पहुँच चुकी है प्रयागराज। स्वागत है आप सभी का अयोध्या में। Hey guys, what's up? I am Saurav Rajput of Real Adventure. Good afternoon. Good afternoon from capital of Chhattisgarh, Raipur. तो एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग, और आज के व्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ रायपुर से रामनगरी अयोध्या की। वैसे आपको बता दूँ आज की जर्नी हमारी रहने वाली है मनीष ट्रैवल की ब्रांड न्यू भारत बैंस स्लीपर बस में, जिसको कि मनीष ट्रैवल राम रथ के नाम से भी पुकारता है। पूरी उसकी लीवरी है ना वो कहीं ना कहीं भगवान राम को और राम मंदिर को रिजेंबल करती है। तो बेसिकली मनीष ट्रैवल की उस बस में आज हमारी जर्नी रहने वाली है यहाँ रायपुर से अयोध्या की। वैसे अभी मैं मौजूद हूँ भाटा गाँव ISBT रायपुर में। बस यहाँ से रवाना होगी करीबन 3:30 बजे और अयोध्या में पहुँचा देगी अगली मॉर्निंग में 10:30 बजे के आसपास। तो चलिए मैं यहाँ से करूँगा बस में बोर्ड और निकलूँगा अयोध्या की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ रायपुर से अयोध्या की। देख लो जी फाइनली बस में बोर्ड कर लिया। ऐसा है इस बस का कुछ इंटीरियर, 2x1 का स्लीपर बर्थ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है ऊपर भी और नीचे भी। बाकी देख लीजिए ऐसे कुछ स्लीपर बर्थ रहती है। यहाँ पे आपको बैकरेस्ट देखने को मिलेगा, हेडरेस्ट वहाँ पे मौजूद है, ऊपर चार्जिंग प्लग दिया गया, उसके अलावा USB टाइप चार्जिंग पोर्ट भी वहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए ये यहाँ पर ना एक अलग से बेडशीट दी हुई है बर्थ के ऊपर। बाकी इधर देखिए यहाँ पर नीचे पिलो भी मौजूद है। उधर देख लीजिए एक छोटा सा वहाँ पर स्टैंड दिया हुआ है, शू रैक बोल सकते हो या फिर सामान रखने के लिए एक छोटा सा स्टैंड बोल सकते हो। बाकी विंडो पे आपको कर्टेन देखने को मिल जाते हैं, ऊपर AC डोर देखने को मिल जाता है, रीडिंग लैंप देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिला के जो स्लीपर बर्थ है वो अभी तो फिलहाल काफ़ी अच्छी लग रही है, बाकी जब स्लीपर बर्थ पे लेट जाएंगे तब इसकी कंफर्ट क्वालिटी का थोड़ा सा ज़्यादा पता चल पाएगा। और बाकी देख लीजिए इधर है सिंगल स्लीपर बर्थ, और अपनी जो स्लीपर बर्थ रहने वाली है वो है 3rd नंबर की अपर सिंगल स्लीपर बर्थ। बस के फ्रंट में देख लीजिए यहाँ पे आपको एक स्क्रीन देखने को मिल जाती है टाइम के लिए, ऊपर यहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जिट दिया गया है। और बाकी बस के टॉप में लाइटिंग देखो कितनी शानदार लग रही है, मे भी हो सकता है ये फाइबर है या फिर कोई कार्डबोर्ड है और उसके नीचे ना लाइट लगी हुई है, कितनी शानदार लग रही है देख रहे हो। और बाकी देख लीजिए इधर मौजूद है हमारे साथ बस के ड्राइवर साहब। कैसे हैं सर, क्या नाम है सर आपका? और कितना टाइम हो गया आपको बस ड्राइव करते हुए, कितना एक्सपीरियंस हो गया? अच्छा, और इधर अपने साथ दूसरे ड्राइवर साहब भी मौजूद है, कैसे हैं सर? ठीक है सर। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद इसरार। अच्छा, और आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया? 25 साल का। अच्छा सर एक छोटी सी चीज़ और बताइए, बस का रूट क्या रहता है, प्रॉपर रूट क्या रहता है? रायपुर से बिलासपुर, रतनपुर, पेंड्रा, अनूपपुर, साडोर, रीवा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या। और अयोध्या कितने बजे पहुँच जाती है अगली मॉर्निंग में? अच्छा चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जी फाइनली बस निकल चुकी है ISBT रायपुर से, तो चलिए जय श्री राम बोलते हैं और सफर को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आप बस के बोर्डिंग पॉइंट देख लीजिए। बस इनिशियली स्टार्ट होती है दुर्ग से मनीष ट्रेवल के हेड ऑफिस से, जो कि शुरू होती है 1:15 पे, और उसके बाद बस पहुंच जाती है रायपुर। रायपुर में फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट जो रहता है वो रहता है ISBT रायपुर, देख लीजिए यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है मनीष ट्रैवल शॉप नंबर G18 ISBT बस स्टैंड भादगांव रायपुर। उसके बाद बोर्डिंग पॉइंट रहता है गुप्ता ट्रैवल व्यास तालाब चौक, जो कि रहता है करीबन 3:50 पे। तो चलिए बस का बोर्डिंग पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, बस का रूट ड्राइवर साहब ने आपको बता दिया था, बाकी स्क्रीन पर भी आपको शो कर दूंगा। बाकी जर्नी डिस्टेंस की बात करें तो जर्नी डिस्टेंस रहने वाला करीबन 800 किलोमीटर के आसपास। और स्लीपर बर्थ आपको और अच्छे से दिखाया था तो देख लीजिए ऐसी कुछ ये स्लीपर बर्थ रहती है। अभी मैं अपने सिंगल स्लीपर बर्थ पे मौजूद हूँ, सामने आपको एक रैक देखने को मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए, उसके अलावा यहाँ पे रीडिंग लैंप मौजूद है जो कि इस बटन से ऑपरेट होता है। AC ब्लोर यहाँ पर दिया गया है, AC भी अच्छे से कूलिंग कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर आपको प्लग अरेंजमेंट भी देखने को मिल जाती है,
बाकी देख लीजिए, ये है सामने डबल स्लीपर बर्थ, और डबल स्लीपर बर्थ पे जो चार्जिंग अरेंजमेंट रहती है वो रहती है बिल्कुल सेंटर में। और बाकी बस के यार कर्टेंस देखिए यार, कितने शानदार लग रहे हैं, देख रहे हो? ये देखिए टेक्सचर देखो यार कर्टेंस का, कितना अच्छा लग रहा है। वाइड एंगल से दिखाता हूँ उनकी, ये देखिए काफ़ी शानदार लग रहे हैं। हाँ, बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इस बस में ना आपको शटर टाइप अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो केबिन्स है ना, यानी स्लीपर बर्थ, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करी हुई है जिसको देख के लग रहा है कि भाई इसमें शटर टाइप अरेंजमेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सामने कर्टेंस दे रखे हैं, कर्टेंस को बंद करके आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। तो लीजिए हम भी अपने कर्टेंस लगा लेते हैं और थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन कर लेते हैं। तो देख लीजिए कर्टेन लगाने के बाद स्लीपर बर्थ कुछ ऐसी नज़र आती है। बाकी आपको बस के बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बस है भारत बेंस की बस है, यानी कि भारत बेंस की चेसिस पे ये बस बनाई गई है। बस की बॉडी बिल्ड करी है शिवा मोटर बॉडी ने। बस की लेंथ है करीबन 13.5 मीटर और बस में टोटल स्लीपर मौजूद हैं 36। देखो ये चीज़ ना मुझे काफ़ी बढ़िया लगी कि बस में डस्टबिन दिए हुए हैं ताकि बस में गंदगी वगैरह ना फैले। एक डस्टबिन देखो पीछे की साइड मौजूद है और एक डस्टबिन उधर आगे की साइड पर मौजूद है। तो जी टाइम हो गया 5:30 और बस बाईपास कर रही है सिमगा सिटी को, और बाकी अच्छा खासा फोर लेन बाहर दिखाई दे रहा है। और जैसे ही रायपुर शहर से हम एग्जिट हुए थे ना, ये फोर लेन शुरू हो गया था और बिलासपुर तक इस फोर लेन को कहीं ना कहीं हम फॉलो करने वाले हैं। और सनसेट के नज़ारे देखो यार, कितने ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। बाकी छत्तीसगढ़ में हरियाली भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, हालांकि अभी तो मानसून भी नहीं है तब यहाँ पे इतनी हरियाली है। सोचो मानसून के टाइम पे यहाँ की खूबसूरती कितनी ज़्यादा होती होगी। जी टाइम हो गया 6:05, बस ने करीबन 10 मिनट का हॉल्ट लिया है फ्रेशन अप होने के लिए। देख लीजिए ये कुछ ढाबा है, संजय बिहारी ढाबा, लोकेशन है नारायणपुर, मेरे ख्याल से नारायणपुर है, बाकी कंफर्म करके आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। और बाकी यार ये बस देखिए यार कितनी शानदार लग रही है। तो जी टाइम हो गया 6:50 और बस पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ के एक खूबसूरत शहर बिलासपुर में। बाकी बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर अपने राइस के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ के जो राइस है ना पूरे इंडिया में उनकी जो पॉपुलरिटी है ना काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा बिलासपुर अपनी कोसी इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी फेमस है। कोसी बेसिकली एक सिल्क फॉर्म है, तो उसकी जो इंडस्ट्री है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। और बाकी देख लीजिए ये पूरा बिलासपुर का बस स्टैंड है। हालांकि रात में कैमरा उतने अच्छे से तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन देख लीजिए ये कुछ बस स्टैंड है बिलासपुर का। कुछ पैसेंजर यहाँ पे डीबोर्ड हुए हैं और कुछ बस में बोर्ड हुए हैं, तो करीबन 5 से 10 मिनट के लिए बस यहाँ पे रुकी है।
ये कौन से एरिया में पहुंच गए हैं बिलासपुर के अभी हम? नेहरू चौक। कितने के दे रहे हो भैया ये? कितने के दे रहे हो? 100 रुपए के दो। अच्छा 100 के 2 दे रहे हो, देख लीजिए ड्राइवर साहब ने 100 के 2 ये डांसिंग वाले चौक ले लिए। वाह भाई वाह। देखो रात को आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन अभी हम गुजर रहे हैं अरपा नदी के ऊपर से, जो कि बिलासपुर और पूरे छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। महामाया चौक। अच्छा महामाया चौक पे पहुंच गए तो जी टाइम हो गया 7:50 और बस पहुंच चुकी है रतनपुर। बाकी रतनपुर के बारे में आपको बता दूं, रतनपुर फेमस है अपने महामाया मंदिर के लिए, जो कि माता के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ और काफ़ी मान्यता है उस मंदिर की ना। तो अगर आप में से कोई रतनपुर से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताइए ज़रा कि भाई रतनपुर और किन किन चीज़ों के लिए फेमस है। बाकी इस वीडियो में जितनी भी सिटी में मेंशन करूँगा ना, आपका काम यह है कि आपको कमेंट करके बताना कि भाई उन सिटीज़ में क्या क्या चीज़ फेमस है। तो देखो आप लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि भाई मैं हर वीडियो में ऐसा क्यों बोलता हूँ कि अगर आपकी सिटी में वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ तो आपको कमेंट करके बताना है कि भाई आपकी सिटी में क्या क्या चीज़ फेमस है। तो देखो जो लोग दूसरे रीजन से वीडियो देख रहे हैं, पहली बात तो उनको आपकी सिटी के बारे में जानने का मौका मिलता है, नई नॉलेज उनको गेन करने का मौका मिलता है। आप कमेंट करेंगे, आप अपनी सिटी की विशेषता बताएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके गूगल करेंगे, और अगर वो आपकी तरफ का प्लान बनाते हैं मतलब आपकी सिटी की तरफ का, तो उनको घूमने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है और नॉलेज तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रही है। तो देखो अभी हम एंटर हो चुके हैं अमरकंटक हिल रेंज, और यहीं से ना घाट सेक्शन की भी शुरुआत होती है जिसको बोला जाता है केंदा घाट। तो जी टाइम हो गया रात के 9:20 और केंदा घाट क्रॉस करके बस अभी पहुंच चुकी है पिंडरा नाम के विलेज में, जहां पे अभी बस ने होल्ड लिया है डिनर के लिए। बाकी देख लीजिए ये कुछ रेस्टोरेंट है पटियाला कैंटीन के नाम से। बाकी इधर तो इनका ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, यही साथ में ना इनका लॉन भी है, वहाँ पे भी बैठने वगैरह की अच्छी खासी अरेंजमेंट है, वहाँ पे भी बैठ के बेसिकली आप खाना खा सकते हो। अगर कुछ कम लोग हैं तो यहाँ बैठ के खाना खा लीजिए, अगर ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो वहाँ पे भी खाना खा सकते हैं। तो देख लीजिए ये है इनका लॉन एरिया या फिर रिजॉर्ट एरिया कह सकते हो, पटियाला हाउस के नाम से ही है। बाकी अंदर गार्डन काफ़ी अच्छा बना हुआ, लाइटिंग वगैरह अच्छी हो रखी है, और उधर ना बैठने वगैरह की अरेंजमेंट भी दिखाई दे रही है। एक बार चलो अंदर चलता हूँ और आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहा था तो मुझे ना बाहर इस होटल के मैनेजर मिल गया, और वो कह रहे कि भाई साथ में हमारा लॉन एरिया भी है, जब ब्लॉग बना ही रहे हो तो वो भी दिखा दो। तो मैंने सोचा चलो आपको एक बार दिखाई देते हैं कि भाई इनका लॉन एरिया कैसा है। तो देख लीजिए लाइटिंग वगैरह यहाँ पे हो रखी है, इधर भी बैठने की अच्छी खासी अरेंजमेंट है, देख लीजिए इधर शायद बुफे वगैरह भी लगा हुआ है। तो चलिए अभी उस साइड वाले रेस्टोरेंट पे चलते हैं क्योंकि बस भी वहीं पे खड़ी हुई है, खाना वाना खाते हैं, देखते हैं खाना कैसा है। उस साइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई बस वहीं खड़ी है, तो ऐसा होना कि मैं खाना खाने लगूँ यहाँ पे और पता चले कि भाई बस वहाँ से हो जाए 9:00-11:00। खैर ऐसे तो नहीं होगी, हॉर्न वगैरह देती है प्रॉपर। तो चलिए वहाँ चलते हैं और खाना वाना खाते हैं, देखते हैं खाने का टेस्ट आखिर कैसा रहने वाला है यहाँ पे। तो देख लीजिए इधर खाना लगवा लिया है, थाली लगवा लिया है पूरी जो कि 120 रुपए की है। बाकी देख लीजिए रोटी है, चावल है, दाल है, आलू की सब्जी है, छोले हैं और सैलेड है। बाकी इस रेस्टोरेंट का ये सिटिंग एरिया है, देख लीजिए पूरा।
तो चलिए खाना टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि खाना यहाँ पे कैसा रहने वाला है। और बाकी देखो खाने में हमारे साथ में बस के स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है। सर आपको कैसा लगता है खाना यहाँ का? बढ़िया आपको? भाई सही बता रहा हूँ, 3 दिन से ट्रिप पे निकला हुआ हूँ और घर जैसा खाना ना आज खाने को मिला। मतलब बहुत ज़्यादा मसाला तेज़ नहीं है, नमक तेज़ नहीं है, ठीक है, मसाला नमक बिल्कुल एवरेज है। जो खाने का टेस्ट है ना बिल्कुल घर जैसा टेस्ट आ रहा है, ठीक है ड्राइवर साहब? और जी खाना खा लिया, बाकी सही बताऊँ यार खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और बाकी ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी खासी सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ रेस्टोरेंट में भी और उधर लॉन में भी, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छे खासे बने हुए हैं। तो जब जर्नी हम करते हैं ना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इसी टाइप के रेस्टोरेंट हमें देखने को मिले जहाँ पे खाना अच्छा हो, सीटिंग एरिया अच्छा हो, वॉशरूम वगैरह अच्छे हो। तो अगर ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मिलती ना तो कहीं ना कहीं मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, लेकिन ठीक है भाई यहाँ पे सारी चीज़ बढ़िया लगी। और बात करें बस जर्नी की तो बस जर्नी भी काफ़ी बढ़िया चल रही है, बाकी बस का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है यार। मनीष ट्रैवल के स्टाफ को यार मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूँगा, मतलब जिस तरीके से वो पैसेंजर्स को ट्रीट कर रहे हैं। एक चलो हमारा होता है कि भाई हम एक यूट्यूबर है, हमें कभी कभार स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया जाता है क्योंकि हम ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन ठीक है भाई सभी पैसेंजर के साथ उनका जो रवैया है ना काफ़ी अच्छा लगा मुझे। देखो तो गोरिल्ला से निकल के बस क्रॉस करती है अनूपपुर शहडोल बोहरी को और आगे बढ़ रही होती है गोविंदगढ़ की तरफ। नींद भी मुझे काफी अच्छी आ रही होती है, लेकिन गोविंदगढ़ से ही पहले बीच में पड़ता है चुईया घाट, जहाँ पे टर्न्स इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि अच्छे खासे सोते हुए इंसान की नींद भी खुल जाए। तो मेरी नींद भी यहाँ पे खुल जाती है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुहागी मध्य प्रदेश। टाइम इज 6:50 AM और जैसे ही सुहागी वाला एरिया है ना काफ़ी अच्छा हिली टेरेन बाहर देखने को मिल रहा है। और बाकी बात करें रात की तो चुईया घाट क्रॉस करने के बाद ही ना मैं सो गया था, उसके बाद रीवा आया और रीवा में मेरी थोड़ी सी नींद खुली, उतनी कि भाई पता चल गया कि भाई रीवा आ गया, उसके बाद मैं फिर से सो गया और अब जाके नींद खुली है दोबारा से सीधा सुहागी पहुँच के। बाकी नज़ारे सच में यार सुहागी के काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा हिली एरिया नज़र आ रहा है बाहर ना।
तो देख लीजिए, अपना राम रथ एंटर कर चुका है उत्तर प्रदेश की सीमा में। और जैसे ही उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में एंट्री करिए ना, बस ने हॉल्ट लिया है फ्रेशन अप होने के लिए करीबन 5 से 10 मिनट का। रेस्टोरेंट का नाम है बाबा होटल। और वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अभी हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। तो जी, टाइम हो चुका है सुबह के 8 और बस पहुंच चुकी है प्रयागराज। बाकी प्रयागराज के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म ग्रंथों में ना प्रयागराज का काफ़ी जिक्र और काफ़ी यहां की मान्यता है, क्योंकि यहां पे संगम होता है तीन प्रमुख नदियों का, गंगा, जमुना और सरस्वती का। और गंगा, जमुना, सरस्वती के बारे में आपको पता ही कि भाई ये तीनों नदियां कहीं ना कहीं हिंदू पुराणिक ग्रंथों के हिसाब से बहुत पवित्र मानी गई हैं। तो उन तीनों नदियों का यहां पे संगम होता है। बाकी अपने 12 साल में लगने वाले कुंभ के लिए भी प्रयागराज काफ़ी फेमस है। अगला जो कुंभ है ना, वो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे 2025 में लगने वाला है। और देख लीजिए, ये सामने आप जो नदी देख रहे हो ना, ये है यमुना नदी। तो चलिए जी, एक बार बस का फेयर डिस्कस कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जर्नी हमारी ख़त्म हो जाए, बस का फेयर मैं आपको बताना भूल जाऊँ, फिर आप लोग कमेंट में मुझे बोलोगे कि भाई आपने बस का फेयर नहीं बताया। तो आपको बता दूं कि इस जर्नी के लिए यानी रायपुर से अयोध्या के लिए मैंने पे करे थे 2100 रुपये। बस टिकट बुकिंग की बात करें तो मनीष ट्रेवल की ऑफिशियल वेबसाइट से आप बस के टिकट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा रेड बस, अभी बस, पेटीएम बस, जितने भी लीडिंग प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी बस के टिकट बुक कर सकते हैं। जहाँ से आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता है वहाँ से आप बुक कर लीजिए। और बाकी ये जो बस फेयर मैंने आपको बताया ना, ये डायनेमिक फेयर होता है, टाइम टू टाइम घटता बढ़ता रहता है। और बाकी हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो प्राइवेट बसेज होती हैं उनका फेयर डायनेमिक होता है, लेकिन फिर भी कई लोग भाई वीडियोज़ में आके कमेंट करते हैं कि भाई तूने तो ये फेयर गलत बता दिया, ये तो किसी ऐप पर शो ही नहीं कर रहा है, रेड बस पर ना, अभी बस पर, एक्स वाई जेड किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई फेयर शो नहीं कर रहा है, मतलब ज़्यादा शो कर रहा है। तो भाई देखो, फेयर डायनेमिक होता है, टाइम टू टाइम घटता बढ़ता रहता है, एज़ पर फेस्टिवल, एज पर सीजन, एज पर वीकेंड अलग अलग प्राइस होता है। तो भाई आप ये नहीं कह सकते कि आज 2100 है तो प्राइस हमेशा 2100 रहेगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और बाकी देखो, कल मैं आपको दिखाना भूल गया था, बस में सभी पैसेंजर्स को वाटर बॉटल भी प्रोवाइड करवाई जाती है 1 लीटर की, और प्रोवाइड तो पिलो एंड ब्लैंकेट भी किए जाते हैं। लेकिन बस का स्टाफ बता रहा था कि भाई कुछ पैसेंजर ऐसे आते हैं जो अपने साथ में पिलो और ब्लैंकेट लेके चलते बनते हैं, तो इस वजह से उन्होंने पिलो और ब्लैंकेट देने बंद कर दिए। हालांकि मैंने देखा भाई डिग्गी में काफ़ी सारे पिलो रखे हुए थे, लेकिन वो बता रहा था कि भाई जितनी बार भी देते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा पिलो गायब हो जाते हैं, इस वजह से हमने देने ही बंद कर दिए। तो देखो यार, ऐसा मत करा करो, उन पैसेंजर्स को बोल रहा हूँ जो ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो यार, बस ऑपरेटर आपको एक सर्विस दे रहा है, आपकी कंफर्ट का ख्याल रख रहा है, और आप ऐसा कर रहे हो। एक पिलो यार कितने रुपए का आएगा यार, वो आप खुद भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अपने साथ चुरा के ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बस ऑपरेटर क्या करेगा भाई, वो सर्विस देना बंद कर देगा, आपके कम्फर्ट का ध्यान वो नहीं रखेगा, लेकिन आपकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरे पैसेंजर्स को वो चीज़ भुगतनी पड़ती है। और फिर कहीं ना कहीं हम लोग ही कंप्लेन करते हैं कि भाई बस में पिलो नहीं दिया गया, बस में ब्लैंकेट नहीं दिया गया। तो ऐसा मत करा करो, सर्विस आपको दी जा रही है उसको अच्छे से यूज़ करो। पिलो तो यार आप बाहर से खुद भी खरीद सकते हो, तो यार इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो जी, टाइम हो गया 10:19 और बस पहुंच चुकी है
तो जी टाइम हो गया 11:40, बस पहुंच चुकी है अयोध्या। तो स्वागत है आप सभी का अयोध्या में। हालांकि प्रॉपर अयोध्या नहीं है, फैजाबाद सिटी है अयोध्या। यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। एक्चुअली क्या है ना, अयोध्या मेन सिटी में भाई जाम वगैरह भी काफ़ी रहता है, और जितनी भी प्राइवेट बसेज है ना जो अयोध्या के लिए ऑपरेट होती हैं, यूजुअली उनका रूट अयोध्या तक नहीं रहता, उनका रूट या तो गोरखपुर तक रहता है, तो वो बाईपास करते हुए कहीं ना कहीं निकल जाती है। लेकिन इस बस का रूट ही अयोध्या तक है, तो अयोध्या में इसको अंदर सिटी में एंटर करवाना, जाम झेलना, फिर पार्किंग की जगह ढूंढना, तो उन सबसे बचने के लिए जो बस का लास्ट डिबोर्डिंग पॉइंट है ना, वो ये फैजाबाद रखा गया है। बाकी बात करें जर्नी की, तो जर्नी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया थी। स्टाफ बस का अच्छा था, रेस्ट ऑफ बस के अच्छा थे। हाँ, मॉर्निंग में जो रेस्ट ऑफ था ना, जहाँ पे फ्रेशन अप होने के लिए बस रुकी थी, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करा जा सकता है। बाकी फेयर की बात करें तो यार, रायपुर से अयोध्या तक का जो फेयर है ना, वो भी यार ठीक है यार। मतलब इतनी लंबी बस जर्नी में, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रास्तों से होते हुए हमें अयोध्या लेके आती है, तो उस हिसाब से फेयर ठीक है। क्योंकि मोस्टली जर्नी के दौरान ना हमें 2 लेन देखने को मिला है, हिली टेरेन भी देखने को मिला है, घाट सेक्शन भी देखने को मिला है। 4 लेन मेरे ख्याल से सिर्फ रायपुर से बिलासपुर और रीवा से प्रयागराज तक 4 लेन था, अदरवाइज 2 लेन ही पूरी जर्नी के दौरान हमें देखने को मिला है। बाकी टाइम अभी हो गया 11:40, तो पहुंचने में करीबन 1 घंटा बस यहाँ पे लेट हो चुकी है, क्योंकि एक तो रात को बस का टायर पंचर हो गया था, जिस वजह से आधा घंटा बस लेट हो गई। अच्छा, ये टायर था जो रात को पंचर हो गया था, और कितना टाइम लग गया था उसको रिप्लेस करने में? 25 से 30 मिनट। अच्छा अच्छा, तो देख लीजिए, रात को टायर पंचर हो गया था बस का, और ड्राइवर साहब ने, पूरे स्टाफ ने मिलकर टायर वगैरह रिप्लेस करा, तो उसमें आधा पौना घंटा लग गया था, तो उस वजह से बस ना आधा घंटा लेट हो गई। और उसके अलावा आधा घंटा बस लेट हुई पुलिस की चेकिंग में, क्योंकि इलेक्शन वगैरह नजदीक आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी जगह चेकिंग हो रही थी, तो उस वजह से भी बस आधा घंटा लेट हो गई। तो आधा घंटा वो और आधा घंटा टायर पंचर वाला सिनेरियो, तो करीबन 1 घंटा बस यहाँ पे पहुँचने में लेट हो गई। अदरवाइज जो उसका पहुँचने का टाइम है वो है करीबन 10:30। और बाकी बस का डिबोर्डिंग पॉइंट आप देख लीजिए, मारुति सुजुकी का यहाँ पे एक ये छोटा सा शोरूम खुला हुआ है। और बाकी उधर मौजूद है नरेश बस सर्विस के नाम से ऑफिस, जहाँ से इस बस में बोर्डिंग या फिर डिबोर्डिंग रहती है। तो देख लीजिए ऐसा कुछ ये बोर्डिंग पॉइंट है, अभी जस्ट पैसेंजर वगैरह इसमें से डीबोर्ड हो रहे हैं कुछ। तो मैं अभी यहाँ से निकलूँगा अयोध्या, और भगवान श्री राम के दर्शन करूँगा राम मंदिर में जाके। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो इस वजह से वहाँ तो दर्शन मैं आपको नहीं करा सकता हूँ। तो चलिए, जितनी डिटेल थी इस जर्नी की वो ब्लॉग के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ, उस ब्लॉग को करते हैं यहीं रैपअप। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेल बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।